अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबर पर, जहां पर टिहरी में बादल फटा है। कोट गांव में बादल फटने से तबाही मच गई है। यहां बता दें कि 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 8 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है इंडिया न्यूज पर। पिछले कुछ दिनों से मौसम के बदले मिजाज के चलते उत्तराखंड के तमाम इलाकों में पहाड़ी नदियां काफी रौद्र रूप धारण किए हुए थी और उसके चलते लोग परेशान थे। लेकिन इस बीच टिहरी में ये बादल फटा है, जहां पर 3 लोगों की शुरुआती जो जानकारी आ रही है उसमें मौत की खबर है। कोट गांव में ये बादल फटा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में ही राजीव, अपने दर्शकों को बता दें कि भारी बारिश पिछले कुछ दिनों से हो रही है, बल्कि ये कह सकते हैं कि 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है जब लगातार बारिश उत्तराखंड में हो रही है। और इस समय हमारे सहयोगी संदीप नेगी जुड़ गए हैं और जानकारी के। संदीप, क्या है आपके पास और जानकारी? ये बड़ी खबर है, 3 लोगों की जान जा चुकी है बादल फटने से। ये बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड में लगातार जो आसमानी कहर है वो लगातार जारी है और विकासखंड तेलंगना के बिना बिहार के कोट गांव में जो भारी बारिश के चलते जो एक ही परिवार के जो 8 लोगों की दबे होने की सूचना आ रही है, जिसमें से 3 लोगों की अभी तक जो डेड बॉडी है वो निकाल दी गई है। पुलिस और राहत कार्य जो SDRF तमाम जो फोर्स है वो मौके पर मौजूद है, ताकि क्योंकि जो गांव है ये काफी सीमांत क्षेत्र का गांव है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को वहां पर पहुंचने में काफी देर लगी, क्योंकि स्थानीय लोग के आसपास के लोग को उन्होंने ही सुबह से ये रेस्क्यू कर इन 3 डेड बॉडियों को निकाला है। और अभी तक भी जो घर के कुछ और सदस्य हैं, 5 सदस्य और हैं, वो समय फंसे हैं, तो इसमें अभी भी कोई जो रेस्क्यू कार्य है वो कहीं ना कहीं जारी है। और जो घर है ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और जो काफी मलबा है इस घर के ऊपर बिखरा पड़ा है, तो ऐसे में काफी देर अभी पूरी रहेगी कि इस घर का सही से रेस्क्यू किया जाए। हालांकि जो तमाम जो टीमें हैं वो मौजूद है, इसके अलावा इसमें अभी तक 3 डेड बॉडी के अलावा और कुछ भी नहीं जिस समय निकल पाया है, लेकिन जो रेस्क्यू है वो जारी है। जो संभवता ये है कि जो इसमें जो घायल होंगे या घायल होने के आसार है। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 3 लोगों की मौत बारिश राजीव उत्तराखंड में लगातार हो रही है और आगे भी कुछ दिन ये भारी बारिश रहने वाली है उत्तराखंड पर।